हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत जैन। आज मैं आपको एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि है IDFC बैंक। ये हाल ही में इसके लाइसेंस मिला था 2015 में, और ये बैंकिंग सेक्टर में आए हैं और ये न्यू बैंक है, तो इसमें प्रॉफिट धीरे धीरे आएगा और ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। अगर आपको लेना है तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ही लीजिए। शॉर्ट टर्म में अभी फ़िलहाल रिटर्न काफ़ी कम आ रहा है, 50 और 70 के बीच में ही चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा। ये 120-200 तक जा सकता है, क्योंकि इनके फंडामेंटल्स थोड़े धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे हैं। और इसका मैं 52 वीक लो और हाई भी बता देता हूँ। 52 वीक लो है 51 का और हाई है 71 का। ये लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है, आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप दूसरे बैंक में जा सकते हो, जैसे कर्नाटका बैंक हो गया, साउथ इंडियन बैंक हो गया, वो शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न देंगे। अभी हाल ही में इनके टीम में एड्स भी काफ़ी आ रहे हैं और काफ़ी सारे ब्रांचेज इन्होंने खोल रखे हैं, और मोबाइल ऐप, ऑनलाइन ये अकाउंट, बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, और आधार कार्ड पे इंस्टेंट अकाउंट नंबर भी दे रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा मीन्स इन्होंने प्रोग्रेस किया है, लास्ट 1 ईयर में काफ़ी अकाउंट्स खोले हैं और ये काफ़ी क्षेत्र में हैं। अभी हाल ही में इन्होंने कैपिटल फर्स्ट के साथ टाइप कर रखा है, ये इनका चार्ट देख लीजिए। हाल ही में इन्होंने कैपिटल फर्स्ट के साथ टाइप किया है और इसी के चलते ये थोड़ा अभी बड़ा था लास्ट वन मंथ में। इनके जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, इसने 24% का डाउन हुआ था प्रॉफिट में, लेकिन आगे जाके ये सब कवर हो जाएगा और ये प्रॉफिट में आ जाएगी। जब प्रॉफिट में आएगी तो काफ़ी ज़्यादा चलने वाली है ये बैंक, एक ही दिन में 10-10% बढ़ सकता है और अप ट्रेंड ही दिखाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स, लोन्स भी देते हैं, SME लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स भी अवेलेबल कराते हैं, और वेल्थ मैनेजमेंट भी है इनका, इंश्योरेंस बिजनेस में भी है, और काफ़ी अच्छा मीन्स इनका पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, और ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये 58 के करीब चल रहा है अभी फ़िलहाल, और 51 का लो है, इसे नीचे भी नहीं गया है, मीन्स इसके नीचे जाएगा, बहुत कम जाने वाला है, जाएगा तो थोड़ा ऊपर ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म के लिए आप ले लीजिए, 4-5 साल का नज़रिया इस पर रखना पड़ेगा। 1-2 साल में कुछ नहीं होने वाला है, 4-5 साल में ये कम से कम 4-5 गुना जा सकता है, 200-250 जा सकता है, जैसे इनके प्रॉफिट्स जो है प्लस में आ जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा बढ़ने वाला है ये शेयर। इसका चाहिए तो मैं 1 ईयर का भी आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ज़्यादा मीन्स कोई उतार चढ़ाव नहीं है, 50 के करीब आता है, फिर 60-65 के करीब जाता है, मीन्स आपको बाइक शॉर्ट टर्म में भी करना है तो आप 50-55 के बीच में खरीदिए और 60-65 के बीच में बेच दीजिए। शॉर्ट टर्म में ये काफ़ी प्रॉफिट वाला भी स्टॉक है, क्योंकि ये अच्छा खासा रिटर्न्स 5-6 रुपये का दे रहा है। और इसका ये देखिए, न्यूज़ आई थी उसका मैं दिखा देता हूँ, इसका मार्केट कैप 19,800 करोड़ का है, जो कि बढ़ जाएगा जैसे जैसे प्रॉफिट्स आएंगे। EPS 2.92 का है, बुक वैल्यू 43 का है, प्राइस टू बुक 1.35 का है, डिविडेंड रेशियो 7.50% देता है, फेस वैल्यू 10 का है। ये देखिए, 90% लोगों ने बाय का रेकमेंड किया है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है और आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया रख के ही लेना, शॉर्ट टर्म में मत लेना। शॉर्ट टर्म में भी अगर लेना है तो 50-55 के करीब ही लेना। ये देखिए, ये मीन्स थोड़ा लॉस आया था, लेकिन इन्हें इससे कोई ज़्यादा फ़र्क गिरने वाला नहीं है, क्योंकि ये कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए, आज मुझे यही एक मेजर न्यूज़ बतानी थी, मेजर स्टॉक के बारे में बताना था। ये मर्जन से इनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है ये 2018 में, और ये
स्टॉक मुहरे हिसाब से 75 तक जा सकता है ये साल 2018 में। 2018 के लिए भी काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला है। ऐसा ना हो कि ये यस बैंक जैसा बन जाए और काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म में। चलिए आज मुझे यही एक स्टॉक के बारे में बताना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। चलिए थैंक यू।